बात तब की है जब चीन ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था और अपना शासन चलाने लगा, उनके धर्म और विचारों को नष्ट करने लग गया। 1950 में ये सब घट रहा था, तभी उनके धर्म गुरु भारत चले आए अपने धर्म को बचाने के लिए और 80,000 उनके अनुयायी शरण लेने पहुंच गए। कुछ समय बाद वह भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर बस गए और भारत के अन्य इलाकों में पट गए। अपने धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल और मंदिरों का आगमन किया और तभी एक ऐसा मंदिर जो बहुत ही खूबसूरत लालढांग विकास नगर देहरादून के जंगल में है, ये जंगल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर दिखता है। 2003 में 14वें दलाई लामा ने यहाँ आकर इसको आरंभ किया और गोंकर छोड़े मोनेस्ट्री नाम से लोग इसको जानने लगे। इस मंदिर में लगभग 80 संगा यानी मोंग पढ़ते हैं, रहते हैं, बुद्धा के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। ये सारे सन्यासी यहाँ खेलते भी हैं और शांति के लिए ध्यान भी लगाते हैं। मंदिर ये शुरू किया लेट 90s के अंदर जो बनाना शुरू किया, फिर 2003 में थोड़ा कंप्लीट हुआ, फिर हमारा परम भव दलाई लामा जी आके फिर ओपनिंग किया, फिर तब से हम हमारा यहाँ जो बच्चा लोगों के लिए स्कूल से है, फिर जो स्कूल में हम पढ़ा जाता है 5 क्लास तक जो बेसिक एजुकेशन है, टिबेटन लैंग्वेज है, फिर मैथ्स है, साइंस है, वो भी टिबेटन में पढ़ा जाता है, फिर ड्राइंग्स है, थोड़ा कंप्यूटर भी सिखा जाता है, मॉडर्न का जो सब्जेक्ट है हम थोड़ा थोड़ा सिखाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टिबेटन लैंग्वेज सिखा जाता है, फिर सबसे ज़्यादा हम पूजा बुद्धिज़्म का बेसिक एजुकेशन पढ़ाता है, बुद्धिस्ट फिलोसफी शुरू करता है, हमारा अभी यहाँ दो फिलोसफी क्लासेस है, फिर उसी में जो बुद्ध का टीचिंग का मेन बुद्ध का जो सब जो टीचिंग तो हम पूरा नहीं पढ़ा कर सकते हैं, जो 108 वर्णों से सब हम पूरा क्या बोलता स्टडी नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो फ्लो है जो मानिंद का मास्टर है आचार्य है नागार्जुन आर्य आसम का आयादेव उस तरह का वो है क्या बोलता मास्टर, उन लोगों ने जो टेक्स्ट बुक की तरफ बना दिया, हम वो मेन 4-5 चीज माना जाता है, एक तो सूत्र विनाया कहता हम उसको, उसी में हमारा जो मौन कैसे भिक्षु का जो क्या बोलता रूल्स है डिसिप्लिन से वो बताना चाहता है, जो बुद्ध ने कैसे करना हम कैसे ये कर सकता वो नहीं कर सकता उसका जो डिसिप्लिन उसे नहीं है सब विनाया में, फिर एक अभिधामा है, अभिधामा वो कॉस्मोलॉजी की तरफ है, जो ये दुनिया कैसे स्टार्ट हुआ है ना, उसका अंदर जो रहने वाला इंसान है जो बीइंग्स है लिविंग बीइंग्स स्पीशीज है कैसे हुआ, एवोल्यूशन की तरफ है वो जो कैसे हुआ वो पूरा सिखा जाता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो इमोशन के बारे में कॉन्शियसनेस के बारे में जो बहुत अलग अलग टाइप का वो है वो पूरा बताता है अभिधामा, फिर एक परमाना है, परमाना वो लॉजिक सिखाता है, जो रीजन्स है जो बुद्धिस्ट में सबसे ज़्यादा रीजन में इम्पोर्टेंट दे जाता है, फेल्थ में नहीं, जो प्लान फेल अच्छा नहीं मानता है, हम रीजन्स देखते हैं ये सब, जैसे साइंटिफिकली अगर हमने वो जो अपना जो लॉजिक यूज़ करके रीज़न यूज़ करके फिर हम जो रियलिटी है वो फाइंडिंग करता है सर्च करता है।
ये हर रोज़ सुबह 6 बजे पूजा करके अपने पूरे दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी संस्कृति के लिए कई तरह की पूजाएं करते हैं। मैं इसलिए सुबह 5 बजे उठता हूँ और 5 बजे उठ के उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश वगैरह होके और थोड़ा 6 बजे तक मैं पढ़ जाता हूँ ऐसे लोग कुछ और मेमोराइजिंग लोग ऐसे कुछ करना था 6 बजे ऐसे करता हूँ। 6 बजे से यानी हम लोग का थोड़ा ये होते मॉर्निंग प्रेयर होते 6 बजे से 7 बजे तक और उसके बाद 7 बजे से 7:30 तक ब्रेकफास्ट का टाइम है और 7:30 से और 8 तक थोड़ा क्लास के लिए रेडी होना है और 8 से हम लोग को क्लास स्टार्ट हो जाते हैं 8 से लेके 12 तक हो जाते और 12 में हम लोग का लंच 12 में लंच ब्रेक होते और 12 से यानी 2 PM तक हम लोग का लंच ब्रेक है और उसके बाद 2 बजे से फिर क्लास स्टार्ट हो जाते 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाते और 2 बजे से 6 बजे तक फिर ऐसी एक्टिविटीज़ लोग होते क्लास लोग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते और 6 बजे हम लोग का डिनर टाइम होते। ये सब यहाँ परीक्षा भी देते हैं ताकि ये दूसरी कक्षा में जा सकें और अपने आप को इस भागती दुनिया के साथ चला सकें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो यहाँ यहीं पर लगाते हैं इसके लिए और इंग्लिश लोग थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूँ और इंग्लिश और थोड़ा टिबेटन की बुक्स लोग पढ़ते हैं और स्कूल रिलेटेड क्या बोलते हैं टिबेटन को जो अभी हमें कोर्स कर रहा हूँ उसके लिए तो मैं सुबह 10 बजे से लेके कभी कभी तो मुझे फ्री टाइम है तो मैं कभी तो 3-4 घंटा इसमें लगा देते और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर इंग्लिश लोग थोड़ा तो थोड़ा स्टोरी लोग ऐसे पढ़ते। जानते हैं गुरु और छात्र की कहानी कैसे ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं और बुद्धा को अपनी जिंदगी दे देते हैं, कब और कैसे ये मॉन्ग बनना चाहते हैं और मॉन्ग बनने के लिए ये कौन से आज्ञाओं का पालन करते हैं, बुद्धा को पढ़ते हैं और उनकी कई बातों पे चलने लग जाते हैं। जब मैं स्कूल में था तब मैंने ऐसे लोग लामा लोग ऐसे देखा था और लामा लोग देखा था और उस टाइम में उन लोग को देख कर एक ऐसे मन आया कि आप खुद भी ऐसे बनने के कुछ सोच आया और ऐसे वैसे भी कुछ ये बन के क्या करेगा ये कुछ ऐसे कुछ तो था नहीं लेकिन उन लोग को देख के आप खुद को ऐसे बनने का कुछ मन आया था और उसके बाद मैं अपने डिसीजन समझ में आने लगा। हम 17 साल से फिर बुद्ध का भिक्षु बना है फिर तब से हमने स्टडी किया। हमने अभी तक
9 साल बुद्धिस्ट फिलोसफी स्टडी किया, फिर भी अभी भी सीख रहा है। ये बुद्ध भगवान बुद्ध का जो रिलीजन है जो वो है कंपैशनेट रिलीजन है, कल्चर है। ये जाता है हम ये जीवन में नॉर्मल का जो दिक्कत है, सफरिंग से सुख है, इसीलिए हम जो क्या बोलता है अलग होना चाहता, हैप्पीनेस या पीसफुल और लाइफ जीना चाहता। ये भिक्षु या मॉन्क और सन्यासी का मतलब ये है, पहले तो हम बाल काटता है बाहर से आउटलुक में, फिर कपड़ा बदलता है, लेकिन अंदर का सोच बदलना सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये आपका बिहेव है, हम उसको बोलता शीला शील, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शादी नहीं कर सकता, जो स्टील नहीं कर सकता, फिर विस्की या वो दारू नहीं पी सकता, इसी इस टाइप का बहुत अलग अलग बोध है करने के लिए। वो लोग एक आदमी जो क्या बोलते हैं बाहर भी की बात बहुत रात आ क्लब की जगह से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, राइट। उसका एंजॉय करने ये सब करने का उसका कुछ रीजन होते हैं, राइट। इसका रीजन जो क्या है, इसको पर्पज क्या है, राइट। वैसे वैसे भी और उसको जो ये करके उसको कितना दिन तक उसको खुशी मिलेगा, राइट। उसको खुशी जो क्या है, कितना दिन तक रहेगा और इसी तरह, राइट। और जो हम लोग अभी कुछ खुशी करें मीन्स हम लोग आगे बार जाके जो फुटबॉल खेले, मतलब थोड़ा हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलने में तो हम लोग कुछ देर के लिए हम लोग जो होते तो खुशी जो होते, राइट। उसके लिए हम लोग जो धूप हो जो इसमें तकलीफ करते, राइट, इस मेहनत करते उसके लिए ये करते। और वैसे भी जो ये लोग जो खुशी है बहुत छोटा है, राइट। एक छोटा है कुछ देर के लिए, कुछ देर मतलब वो बदल जाते, राइट। और जो हम लोग जो है और उसकी एक पर्पज तो क्या बोलते हैं, हम लोग जो एक खुशी जो ढूंढ रहे हैं वो जो क्या बोलते हैं, मतलब एकदम परमानेंट टाइप का जो हम लोग एकदम परमानेंट खुशी जो है ना वो ढूंढना चाहिए। और उसको ढूंढने में हम लोग क्या करना है, राइट, क्या करना है, कैसे ढूंढने का उसके बारे में, उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो जो खुशी जो हम लोग कहाँ से मिलेगा ये लोग इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बुद्धिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ, उसमें फिर हम मेन चीज इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो हम कहता है थ्री जीवर्स। एक है बुद्धा, फिर दूसरा बुद्धिज्म और धर्म बोलता है, फिर तीसरा संघ है संघ। जो बुद्धा है वो टीचर है हमारा, फिर उन्होंने लोगों का वो जो पता दिया वो जो पाद है उसको टीचिंग कहता है, बुद्धिज्म कहता है, उसको धर्म कहता है। फिर उसका फॉलोअर है संघ है, भिक्षु है, मॉन्क कम्युनिटी है, उसको हम संघ। तो ये तीन चीज़ से हम बुद्धिज्म में जो थ्री जीवलेस कहते हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। बुद्धिज्म में सबसे ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट माना जाता है, एक तो आपका जो व्यू है जो थिंकिंग है उसको क्या बोलते हैं उसका एक वो है, एक वो जो आपका जो बिहेव मतलब आप जो करता है, ये दो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका व्यू जो है वो हम क्या बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट वो जो माध्यम से सीखा जाता है, जो आपका भी वो थिंकिंग है वो होना चाहिए। फिर एक वो है
पंचपरम क्या बोलते हैं उसका, पंचपरम एक वो है, उसमें कैसे जो बुद्ध का ले क्या बोलते हैं उसका ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे जो बात बुद्धि का जो बुद्ध का बात में जाना है उसका पूरा सिखा सकते हैं। उसी में ऑल्सो वो ज़्यादा से सबसे ज़्यादा कंपेशन आपका जो होम हार्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंट थिंकिंग, ये दोनों कंपेन होना चाहिए। ये दोनों अच्छा से वो हो गया तो फिर आप ज्ञान प्राप्त हो सकता है, बुद्ध बन सकता है, कोई भी इंसान बुद्ध बन सकता है। कैसे ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने से क्या होता है और हम अपनी ज़िंदगी में कब कब ध्यान लगा सकते हैं और कैसे अपने आप को बुद्धा को सौंप देते हैं, ये क्या बुद्धा को समझते हैं और क्या बुद्धा ने हमें बताया है। मॉन्क क्लब में जो चार मेन जो कमिटमेंट है, एक आप लोगों का किसी को नहीं मार सकता, जीवित किसी को नहीं मार सकता, एक है आप चोरी नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, आप शादी नहीं कर सकता, ये चार्जेस हम मेन वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने किया फिर आप यू आर नॉर्मल पीपल ऑर्डिनरी पीपल हो जाएगा। फिर मोन भिक्षु का लाइफ में ये तीन चार बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, एक शीला वो जो एथिक्स है वो अभी मैंने बता दिया, वो हमने चार मेन चीज़ वो जो कर नहीं सकता, इसका इलावा बोध है बोध। फिर हम एक वो है एजुकेशन, इसी बात इसलिए हमने मंदिर में भी एजुकेशन जो बुद्धिज़्म का जो शिक्षा है वो देने की कोशिश करता, हम भी सीखने की कोशिश करता। बुद्धिज़्म जो है बुद्ध का टीचिंग है जो वास है, बहुत वास, वेरी वास, बुद्ध का ओन टीचिंग का वर्ड्स है उसमें 108 वर्ड्स है अभी एग्जिस्ट करता है। फिर जो इसका फ्लोवर जो पंडित क्या बोलता है आचार्य या लोगों ने लिखा हुआ है वो 200 से ज़्यादा। इसलिए के सबसे पहले तो हम लोग जो बेसिक जो होते हैं वो तीन चीज़ों को फॉलो करना पड़ते होते हैं ना, एक जो हम लोग बोलते कुंजोसन क्या शुरू हो रहे बोलते हैं ना स्टेटिंग्स में, और उसको जो तीन चीज़ को फॉलो करना पड़ते ना, वो जो किसके लिए फॉलो करने के अंदर उसके लिए क्या बोलते हैं उसको फॉलो करने का रीज़न क्यों करना है, क्यों किस लिए करना है। एक जो एक बुद्धा है बोलते एक बुद्धा एक बुद्धिसत्वा और एक धर्मा राइट, उस धर्म मीन्स हम लोग से छे बोलते हम लोग धर्मा बोलते हो राइट वो बोलते, और इन तीन चीज़ों को मतलब हम लोग जो जब बुद्धा बोलते राइट, बुद्धा को क्या बुद्धा मीन्स हम लोग टिटिन में हम लोग संघी बोलते राइट, संघी को संघी का डिफिनेशन जो क्या बोलते संघ बोलने से क्या बोलते उसको जो हटाया मतलब उसको रोक दिया फेंक दिया मतलब राइट, वो क्या फेंका बोलते थे और उसको जो बुराई जो होती राइट जो बुराई लोग होते वो लोग सब एक भी नहीं बोले वो लोग सबको फेंक दिया मीन्स उसको क्या बोलते फेंक दिया बोले क्या उसको हटा दिया, और ये मतलब क्या बोलते कि उसको जो उसको ज्ञान जो होते राइट ज्ञान को प्राप्त हुआ उसको ज्ञान होते राइट। मॉन्क लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन होता है, अगर आपने मेडिटेट नहीं किया फिर आपको जो बुद्धिस्ट का टीचिंग बुद्ध का टीचिंग जो है जितना पढ़ लें वो जो फायदा नहीं होता है, और जितना आपके पास तवे है आपने खाया नहीं तो फिर आपको जो बीमार जो है वो ठीक नहीं होता है। इसी का तरफ है मेडिटेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेडिटेशन में बहुत अलग अलग तरीका होता है, बहुत ज़्यादा वो टेक्निक्स है हमने सब पता नहीं पाएगा,
वेरी सिंपल थोड़ा सा बताता है मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन का मतलब ये है आपका जो प्रेजेंस है जो वो आप फील करना, जो अवेयर करना, जो याद करना, वो आप जानना चाहिए। हमारा नॉर्मल लाइफ में हम सबसे ज़्यादा जो अभी का राइट नाउ हमारा जो जो करता है वो हम ज़्यादा जानने देता है। हम पहले जो हुआ उसका जो मेमोरी वो उसका याद करता है, फिर जो करना चाहता है उसी के बारे में ज़्यादा चिंता करता है। लेकिन जो अभी जो जिंदगी राइट नाउ हम जी रहा है उसी के बारे में वो जान नहीं देता। अगर उसी में ज़्यादा जान देता है फिर जीवन या लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। मैं बुद्ध तो पहले तो हिंदू के फैमिली में कौन जन्म लिया होगा, लेकिन उन्होंने जो बुद्ध अपना रास्ता ढूंढ लिया। बुद्ध ने हमारा जो बुद्ध का जो अपना लाइफ स्टोरी है उसमें पता चलता है बुद्ध ने पहले जो जीवन का सबसे ज़्यादा चार दुख है वो देखा है। एक तो पैदा हुआ जन्म होता है ना, जन्म होता है, फिर एक हम एजिंग जो कहीं और कर हम बूढ़ा हो सकता है, फिर एक हम बीमार होते हैं, फिर हम सबसे लास्ट में मर जाता है। चार जाते हैं जो मैं चार इम्पोर्टेंट वो है चार सबसे ज़्यादा वो जो दुख है वो देखा है। फिर बुद्ध ने सोचा ये सब हम ऐसे सब लोगों का पास है, सब लोग ऐसे होता है, फिर कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ा। फिर बुद्ध ने वो जो अपना जो पैलेस छोड़ के फिर वो सर्च करने के लिए जो हैप्पीनेस ढूंढने के लिए फिर बुद्ध ने जो 6 साल जो नारजान जो वहाँ मेडिटेट करा है, फिर इसी बात बोध गया में आया, फिर बुद्धि ठीक काम करके जो ज्ञान पर हुआ। बुद्ध खुद ने ऐसे बोला होगी जो मेरा मार्ग जो है राइट, मेरा मार्ग एक धर्म नहीं है, एक रिलीजियस नहीं है, मेरा जो मैंने देखा है वो क्या है, मतलब मेरा जो मैंने देखा है वो जो क्या होने, मतलब दुख से मुक्त होने का एक रास्ता है राइट। और ऐसे मैंने और उस खुदने के लिए थरबार मिला रहा है शेवर की ऐसे बोला था उसको, मतलब जो क्या है बोले मतलब, और मैंने तुम लोगों को इस दुख से मुक्त होने के लिए एक रास्ता दिखाया है और उस रास्ता में जाओ या ना जाओ वो तुम्हारे हाथ में खुल गए, तुम्हारे उस रास्ते में तुम जा भी सकते तुम नहीं भी जा सकते, तुम्हारे हाथ में राइट, मैं इसमें कोई भी फोर्स नहीं बोल रहा। जो तुम लोग को जो क्या बोल रहे धनी धनी को नहीं धनी धनी ढाई बोल रहे, एक एक क्या बोल मतलब जो आदमी जो होते राइट, आदमी जो खुद खुद के भगवान होते हैं, खुद खुद के दुश्मन भी होते हैं, दुश्मन खुद खुद के भगवान क्यों होते बोलते मतलब जो अपने आप मेहनत करके राइट, अपने आप मेहनत करके अपने आप अपने जो बुराई है उस चीज को पीछे हटा के और अपना आप मेहनत करके मेहनत किया तो आप बाद में खुद एक अच्छा बन सके राइट, एक अच्छा इंसान हो, इसलिए तुम अपना अपना भगवान है राइट। अब तुम अपना अपना दुश्मन है, अपना अपना दुश्मन तुम खुद खुद के दुश्मन है, खुद खुद के दुश्मन क्यों बोले तुम यहाँ पर बैठ के बहुत ऐसे मारपीट दो काट दो ऐसी कभी बहुत बुराई दो करके तो बाद में तुम मरने के बाद क्या बोलते तुमको इसका क्या बोलते फल जो मिलते रहे उसको जो नर्ग में जाएगा वो जो किसने बना खुद ने बनाया रहा है, इसलिए तुम खुद खुद की दुश्मन है, तुम खुद खुद की बाबा है बोल रहा है। और एक क्या बोले बुद्ध ने एक क्या बोला तो जो मैंने जो डाइट मीन्स बुद्ध ने जो तुम लोग जो प्राणी लोग होते राइट, जो प्राणी लोग है उन लोग को दुख पीड़ा लोग
बतेरा पीटर लोग जो मैं बुद्धा खुद आके एक झाड़ू लेके तुम लोगों जो पीटर लोग हमें भरन नहीं सक राइट भरन नहीं सक और जो तुम लोग को पीटर दुख लोग है वो बुद्धा आगे वो पानी लेके धो नहीं सकते राइट और जो मुझे मिला है ज्ञान जो मैंने जो मैंने सीखा है जो मैंने पाया है जो ज्ञान वो मैं तुम लोग ऐसे दे नहीं सकते बस मैं तुम लोग के लिए एक चीज कर सकती वो चीज क्या है मैं तुम लोग यहाँ ये दुख से मुक्त होने का एक रास्ता दिखा सकती और वो रास्ता में अब तुम खुद मेहनत करके चलिए तो खुद मैं जैसे भरना पड़ेगा ऐसे बोलिए बोला जाए आदमी लोग पूछते थे नॉर्मल लोग पूछते हम लोग जैसे ऐसी बात नहीं नॉर्मल लोग हम लोग ऐसे पूछते अगर ऐसे होते तो राइट ऐसे अगर पाप करने से बुराई फल मिलते और धर्म करने से अच्छे फल मिलते ऐसे में इस दुनिया में ऐसे लोग चीज है जो हमेशा बुरा चीज करके मिलते लेकिन वो बहुत खुशी से बैठती है और उसको बहुत चीज पाती है और उसको सब कुछ होती है वो कैसे और उसको जो हम लोग ऐसे इसको क्या बताते मतलब जो क्या बताते जो इस जन्म में उसने पाप किया है उसको फल जो इस जन्म में नहीं मिला है जो इस जन्म में वो पाप कर करके वो खुशी रह गए उसको बहुत कुछ मिल रहा है वो जो मिल रहा है जो किसी मिल रहा है मतलब वो जो अगले जन्म में जो इसने जो अच्छा किया उसको फल जो इस जन्म में उसको मिला जो उसको अच्छा लोग सब कुछ पाते रहा सब कुछ उसको जो फल जो इस जन्म में मिला है जो इस जन्म में उसने जो पाप किया है उसको जो दूसरा जन्म में उसको फल मिला ये बुद्ध का मेन मैसेज और बुद्धिज्म का मेन मैसेज है जो लोगों का मदद करना फायदा करना ये मेन मैसेज है अगर आप मदद नहीं कर सकता है कम से कम अब आप लोगों का हार्म नहीं करना और लोगों को दिक्कत में नहीं पहुंचना ये मेन वो जो प्रैक्टिस है